नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के वजीराबाद में फिर हुई एक और चोरी की घटना। इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। रात बीती करीब 3 बजे के बाद चोरों ने दिया इस घटना को अंजाम। दिल्ली के वजीराबाद की गली नंबर 12 के अंतर्गत सतगुरु इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर दुकान में रखा कुछ कैश तो कुछ सामान चुरा कर ले गए। चोर एक ऑटो में सवार होकर आए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। ऑटो में सवार होकर चोर पहले दुकान के आगे आकर रुके हैं, फिर ऑटो को दूर खड़ा करके पैदल आते हैं और शटर को खींचकर अंदर के लॉक तोड़ देते हैं और दुकान में एक चोर घुसता है और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देता है। बाकी चोर बाहर खड़े होकर रखवाली करते नजर आए। स्थानीय दुकानदारों और स्थानीय लोगों में यहां इस बात को लेकर पुलिस से नाराजगी है कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी है। पिछले करीब 1 महीने में यहां पर कई दुकानों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। 2 दुकानों में लूट को भी अंजाम दिया गया था, साथ ही चैन स्नैचिंग की घटना भी हुई है। यह लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने इसी सप्ताह मार्केट एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग भी की थी। उसके बाद फिर एक चोरी की घटना हो गई। खास बात यह भी है कि पिछली चोरी और लूट में पुलिस घटनाओं को सुलझा नहीं पाई है और फिर से नई घटना हो जाती है, जो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। हाईटेक कहीं जाने वाली दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी चोरों तक नहीं पहुंच पाती। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना में भी चोर सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस में पहुंच पाती है या नहीं। आपका नाम? मेरा नाम नंदलाल धोनी। नंदलाल जी, जो स्थिति है देख रहे हैं, आपकी अपनी दुकान के बराबर में चोरी हुई है रात में, क्या कहेंगे? लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है। देखो जी, ये तो प्रशासन के ही हाथ में, हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। हम तो सबको सलाह दे सके हैं, भाई कैमरे लगवाओ, ये करो वो करो, मार्केट एक एसोसिएशन बना रहे हैं, उससे का फायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन बात करें, अभी कुछ दिन पहले ACP साहब SHO साहब ने मीटिंग भी ली है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार चोरी और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? सब मिलके सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं उसमें, ये बताओ। बात तो हो रही है। आपका नाम भैया? आपका नाम विवेक। विवेक जी, जो आपकी दुकान में ये वारदात हुई है, कितने बजे की वारदात है और क्या क्या यहाँ से गया है? जो CCTV कैमरे में शो कर रहा है वो 3 बजे के बाद की वारदात है, ये 3 बजे से लेके 3:30 बजे। तो जो CCTV में दिख रहा है, किस वाहन में बैठ के आए हैं और जो उन्होंने वारदात करी है, वो कितने बजे में बैठ के आए हैं? ठीक ठाक है जी। तो CCTV फुटेज में वो दिख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से वजीराबाद मेन रोड में ये घटनाएं बढ़ रही हैं, ACP साहब की भी मीटिंग हुई लेकिन वारदात उसके बाद फिर हो रही है, क्या कहेंगे? बस जी यही कहूँगा कि वजीराबाद के जितने भी दुकानदार हैं, लगातार जो ये वारदात हो रही है वो बहुत ही अभी सुरक्षित नहीं है। लगातार वजीराबाद में ताले पे ताले टूटे जा रहे हैं, तो ACP साहब को ज़रूर वजीराबाद की तरफ आके खुद मुआयना करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं जो आज तक कभी नहीं हुई और अभी पिछले 1-2 महीने से बहुत ही वारदातें बढ़ती। अगर मैं बात करूं, पिछले काफ़ी समय से रोड पे वारदात नहीं है, क्या बीट ऑफिसरों की ड्यूटी के बारे में क्या कहेंगे? बीट ऑफिसर आपको मार्केट में ड्यूटी करते दिख रहे हैं? वो सिर्फ हमारे टाइम पे 9-10 बजे तक दिखते हैं, उसके बाद जो मेन टाइम है जो उनको थोड़ा राउंड लगाना चाहिए 12-1-2 बजे, उसमें बिल्कुल नहीं दिखते। कितने का सामान आपकी दुकान से चोरी हुआ है लगभग, जो भी आप को जानकारी लगे? अभी तो बस अंदर एंट्री करने नहीं दी है, जब ये शटर मेरा खुलेगा तब मुझे पता लगेगा कितना है, पर फिर भी जो गल्ले मेरा था बिल्कुल लग रहा है साफ सा कर दिया है, तो गल्ले में जो मेरे पास पैसे पड़े थे वो सब। कितने पैसे गल्ले में रहे होंगे? ये आप लगभग 2-3 हज़ार के बीच में। संजीव सर, दुकानदार हैं आप, जो हालात हैं यहाँ, लगातार वजीराबाद में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, चैन स्नैचिंग लूट की भी घटनाएं हुई पिछले 1 महीने के अंदर, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा एक भी केस को नहीं सुलझाया जा सका है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चोरों को ना तो कानून का डर है ना किसी की दहशत है, लगातार 1-1.5 महीने से लगातार वारदात हो रही है, कोई वारदात में रुक नहीं रहा है। कल भी यहाँ पर शटर टूट गया है वजीराबाद 12 नंबर में, ठीक है, और ये हर 2-3 दिन रुक के ये काम लगातार चल रहा है। ACP साहब की तरफ से भी मीटिंग ली गई, कार्रवाई का भरोसा दिया गया, लेकिन उसके तुरंत ये घटना फिर हो गई। प्रयास जो है भाजी, इसमें पुलिस वाले भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और कोशिश मार्केट की तरफ से भी चल रही है। तो जैसा देखा जा रहा है वजीराबाद के अंदर जो पुलिस की स्थिति है वो काफी शून्य दिख रही है, वो चोरों के हौसले बुलंद है, क्या ये तो है इस पुलिस प्रशासन की यहाँ पे थोड़ी सी नाकामी
हो रही है, जिसकी वजह से ये वारदातें हो रही है। जैसे आपने देखा सीसीटीवी में भी आ रहा है, लड़के ऑटो भी आ रहे हैं और शटर तोड़ रहे हैं, खुलेआम ये वारदातें हो रही हैं। सब जो वीडियो क्लिप्स हैं वो पुलिस को प्रोवाइड करी जा रही है हर बार की, मगर अभी तक इसमें कोई पुलिस पकड़ने, चोरों को पकड़ने में कोई सफलता अभी तक मिली नहीं।